वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। दोस्तों मैं स्वागत करना चाहता हूँ फिर से आपकी आपकी अपने इस नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। और जैसे कि आपने बाहर बोर्ड पढ़ लिया, हम घूमेंगे एलिफेंटा गुफाएं। एलिफेंटा गुफाएं जाने के लिए दोस्तों मैं कोशिश करूँगा, हालांकि मुझे कोई नॉलेज नहीं है कि क्या यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड है कि नहीं। अलाउ होगी तो डेफिनेटली आपको भी रूबरू कराएंगे एलिफेंटा गुफाओं से। तो यहाँ पर मुझे लगता है सबसे पहले टिकट्स लेनी पड़ेगी, टिकट्स लेकर फिर हम अंदर जाएंगे। भीड़ यहाँ पर भी काफ़ी है दोस्तों, ऐसा करते हैं टिकट लेते हैं एंड देन वी एंटर एलिफेंटा केव्स। सो यहाँ से टिकट मिलेगी एंड देन आई जस्ट वांट टू वैसे भी आप स्कैन करके बताएंगे। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए, वीडियो पॉज करते हैं सारा निर्देश। All right guys, so let me get the ticket also. There is a possibility. All right guys, so I got my tickets. So aisa karte hain ki chalte hain yaar, usko band kar dijiye, video allowed nahi hai andar mein, usko band kar dijiye. All right guys, so yahan par ye kuch park jaisa aap dekh rahe ho और एंड देन जिन गुफाओं की बात की जा रही थी दोस्तों मोबाइल है बुना कैमरा होना दसना मोबाइल है डंडा तो महंगा लाया है बुना ट्राइपॉड छोटा बट किंग है कैमरा। ऑलराइट गाइस, तो ऑलराइट गाइस, सो ये वो एलिफेंटा गुफाएं हैं जिसके अंदर हमको जाने की लिए बोला गया। सो चलते हैं जी अंदर, देखते हैं कैसा है। तो आपके यहाँ पर इसके ये चित्रण है, यहाँ पर भी कुछ नहीं बना हुआ। सो ये आप देख सकते हो, हालांकि मुझे नहीं पता कि आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि नहीं, लेकिन ये शिवा का एक स्टैचू है। ऑलराइट गाइस, सो सिक्योरिटी गार्ड जो था उसने कहा कि भैया आप अंदर वीडियो नहीं बना सकते। कोशिश की मैंने थोड़े से बनाए, इस पत्थर में ये कुछ बना हुआ। ओके गाइस, तो हम चलते हैं जी इस तरफ और अंदर का तो नहीं, लेकिन थोड़ा बाहर का साइट सीन जो है वो आपको दिखाते हैं। तो ये पूरा पत्थर से बनाया हुआ है जी। ऑलराइट गाइस, सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एलिफेंटा के एरिया में ना बाहर ये पार्क कैसा है, और इस पार्क के एरिया में आप यहाँ पर घूम सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं वीडियो कैमरा बाहर आ रहा कि लिख रखा है कि वीडियो कैमरा हैंडी कैमरा अगर आप ले रहे हो तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फीस फॉर दैट, और जो कि मैंने दी। लेकिन जब मैं अंदर आने लगा तो मुझे 2-3 सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे मना किया कि आप यहाँ पर वीडियो नहीं बना सकते हो क्योंकि यूट्यूब पर लोग डाल देते हैं। मैं थोड़ा सा कंसर्न हूँ कि ऐसा क्यों यूट्यूब पर डाल देते हैं। या तो आप सिंपल बाहर लिख के लगा दो कि भैया वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड है, और अगर आप ऐसा निक के नहीं ला रहे तो डेफिनेटली कोई ना कोई आएगा, तो आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं, आप किसी का कैमरा जब्त करो। या सिंपल बाहर लिख दो कि भैया सिर्फ फ़ोटो खींचो, और वो भी आपका जो जिसके अंडर ये मॉन्यूमेंट आता है, जिसके अंडर ये प्रॉपर्टी आता है, वो अगर उनकी मोहर हो, उनकी तरफ जैसा बोला गया। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो यूट्यूबर्स को अलाउ नहीं करना चाहते क्योंकि उन्होंने अच्छे तरीके से यहाँ पर मेंटेन नहीं किया और ऊपर अथॉरिटी को पता चल जाएगा। बट दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। ओके, सो सिक्योरिटी गार्ड ने इवेंचुअली, सो आई जस्ट वांटेड टू रिस्पेक्ट हिम, मैं कोई मैस नहीं चाहता था। सो उसने बोला कि आप अंदर का मत बनाइए मूर्ति वगैरह का, और आप सिर्फ क्या कीजिए कि बाहर का बनाइए। सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर दी आउटसाइड एरिया, उस तरह भी कुछ आएगी। ऑलराइट, सो उस तरफ देखते ही चाहिए।
इस तरफ ही ऐसा गुफा जैसा है, वैसे भी तो अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि अगर यदि मैं अंदर जाऊँगा तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से देख नहीं पाओगे क्योंकि ऑलरेडी अंधेरा होगा। एंड दूसरी तरफ ये है कि जैसे मैंने आपको कहा, मैंने बोला कि अंदर की वीडियो मत बनाना, हालांकि ये कोई कानून नहीं है, बट दे मस्ट हैव मेड देयर ओन वॉ, बट फिर भी देखो, देख रहे हो आप कि यहाँ पर फिर भी लोग आए हुए हैं एलिफेंटा एंड और एलिफेंटा आइलैंड पे, यहाँ पर भी आपको केव्स मिल जाएंगे उस तरफ। बट जैसे मैंने आपको कहा, नॉट प्लानिंग टू गो इनसाइड, लेकिन बाहर से मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। इनकेस थकावट हो जाए तो आपके लिए बैठने के लिए भी यहाँ पर प्रबंध किया गया है। एंड आई थिंक ये जो एलिफेंटा जो केव्स हैं, गुफाएँ हैं। ऑलराइट गाइस, सो ये तो ही एलिफेंटा, कुछ पता नहीं क्या था ये एलिफेंटा, और अपॉइंटमेंट मेरी यहाँ पर ये है कि उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर व्लॉग वगैरह बनाऊँ। ऑलराइट गाइस, सो ये थी एलिफेंटा का छोटा सा व्लॉग जो भी मैं कोशिश कर पाया अपनी तरफ से। मिलता हूँ फिर से एक और नए व्लॉग में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।